हाल ही में जयपुर का सबसे चर्चित मामला गणपति प्लाजा में करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए का सोना होने की बात यह राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने उठाई थी। लेकिन अब इस मामले के अंदर 3 लॉकरों से 1 किलो सोना और लगभग 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद होना पाया गया है और इसी के साथ साथ अभी अन्य जांच भी जारी है और अन्य के लॉकर भी खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा की बात सच होती हुई साबित हो सकती है। हालांकि उनका कहना है कि यह जानकारी लीक हो गई थी और इसी के चलते हुए कई सबूतों को मिटा दिया गया है। तो देखिए इसी पर ये स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद गणपति प्लाजा के लॉकरों की जांच जारी है। इनकम टैक्स ने मंगलवार को 3 लॉकर खोले जिसमें 1.25 करोड़ रुपए नकदी और 1 किलो सोना भी मिला। इनकम टैक्स के अधिकारियों को कार्तिक कुलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना मिला है जबकि इद्रेश हसन के लॉकर से 1 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिली। कार्तिक कुलवाल और इद्रेश हसन कौन हैं इनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 13 अक्टूबर को दावा किया था कि गणपति प्लाजा स्थित 100 लॉकर्स में 50 किलो गोल्ड और करीब 500 करोड़ का काला धन है। यह पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है और इसके बाद इनकम टैक्स के साथ ही ईडी अधिकारी भी गणपति प्लाजा पहुंचे और ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने लॉकरों के दस्तावेज की जांच भी की। जिन जिन लोगों के लॉकर हैं उनकी डिटेल निकाली गई और लॉकर मालिकों को बुला करके लॉकर की जाँच भी की जा रही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।